Hey guys, welcome back to my channel. तो ये हार्टबीट का सेकंड लास्ट पार्ट है और इससे पहले के एपिसोड अगर आपने नहीं देखे हैं तो फटाक से जाइए कमेंट बॉक्स को चेक कीजिए, सारे के सारे एपिसोड्स के लिंक वहीं पे आपको मिल जाएंगे। सो इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहां लास्ट पार्ट का दी एंड हुआ था। ये ओल हवेली छोड़कर जा चुका था क्योंकि वो जूही को और ज्यादा परेशान नहीं देखना चाहता था। जूही के साथ साथ चंगु मंगु और रोज भी उसे ढूंढने में लगे हुए थे, लेकिन योल का तो उन्हें कोई भी अता पता नहीं चल रहा था। थक हार कर बेचारी जूही वहीं एक बेंच पर बैठ जाती है और हियोल के साथ बेताल लम्हों को सोचने लग जाती है, जब उसने उसे अपना खून पीने के लिए कहा था और हियोल ने उसे बहाना मार दिया था। और वो समझ जाती है कि इसीलिए हियोल उसका खून नहीं पीना चाहता था क्योंकि वो जूही को नहीं मार सकता। वहीं फिर टेलर की वाइफ को दिखाया जाता है जो एक दिन पहले नाही से हुई बातों के बारे में सोच रही थी, जब नाही ने उसे ये कहा था कि वो एरिया को रीडेवलपमेंट करवाना चाहती है, लेकिन वो मेंशन बीच में आ रहा है और वो मेंशन ऐसे खाली नहीं हो सकता क्योंकि इसमें वैम्पायर रहते हैं। दरअसल ये सारा का सारा प्लान सोहा का ही था और वो जूही को उस मेंशन से निकाल कर हर हाल में उसे हासिल जो करना चाहती थी। नेक्स्ट सीन में डॉशम को अपने सेक्रेटरी से ये बात मालूम पड़ जाती है कि वैम्पायर ली नहीं जूही के डैड को पकड़ कर रखा हुआ था और वो तो उसका खून भी पीता था। गुस्से में वो फिर वैम्पायर ली के पास पहुंच जाता है और उसे बहुत ज्यादा उटपटांग बोल रहा होता है। वैम्पायर ली भी बोलता है कि वैसे भी मुझ में और तुम में ज्यादा फर्क तो है नहीं क्योंकि तुम भी तो हियोल को मार कर उसका खून लेना चाहते हो ना। साथ ही बातों बातों में डॉशम को ये भी मालूम चल जाता है कि सोहा ने ही वैम्पायर ली को वो मेंशन खाली करवाने के लिए कहा था क्योंकि वो उसे हर हाल में चाहिए था और इसलिए वैम्पायर ली ने ये सब कुछ किया। सच जाने के बाद तो डॉशम को सोहा के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, सीधा उसके पास आता है और उसे डांटते हुए बोलने लग जाता है कि मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इस हद तक जा सकती हो और किसी को किडनैप भी करवा सकती हो। सोहा इससे पहले अपनी सफाई में और कुछ बोल पाती डॉशम वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। सोहा को भी काफी गुस्सा आ रहा होता है और वैम्पायर ली को फोन पे बहुत ही ज्यादा उल्टा सीधा सुनाने लग जाती है और वैम्पायर ली बोलता है कि तुम्हें ही तो हर हाल में वो मेंशन चाहिए था ना और इसी के लिए मैंने ये सब कुछ किया। लेकिन भाई इसी चक्कर में वैम्पायर ली का शिकार उसके हाथ से निकल जाता है जिसका वो खून पीने वाला था, जिससे कि उसे तो काफी गुस्सा आता है। यहाँ जूही बहुत ज्यादा सैड थी जिसे देखकर डैड भी थोड़े परेशान हो जाते हैं और उससे हियोल के बारे में जैसे ही उन्हें ये पता चलता है कि वो तो यहाँ पर है नहीं बल्कि कहीं जा चुका है, वो भी थोड़े टेंशन में हो जाते हैं। जूही तो बहुत ज्यादा सैड थी और रोते रोते बोल रही थी कि अगर मैंने एक दिन पहले कॉफिन को खोला नहीं होता तो आज हियोल पूरी तरह से इंसान बन चुका होता, सारी गलती मेरी है। नेक्स्ट सीन में टेलर और उसकी वाइफ सीधा मेंशन पहुंचाती हैं और वहां डैड को देखकर तो बहुत शॉक हो जाते हैं कि अरे अरे आप तो वही हो ना जिन्होंने पहले इस हवेली की रखवाली की थी। हियोल को वो सूट देने के लिए आपने ही तो कहा था ना, लेकिन आप इतने टाइम से कहां थे। और साथ ही वो फिर उन्हें एरिया की रीडेवलपमेंट पेपर्स देते हुए उस पे साइन करने को बोलते हैं और साथ ही बोलते हैं कि हमने सुना है कि यहां पर कोई वैम्पायर रहते हैं। लेकिन डैड तो उनकी बातों को हंसी मजाक में टालने लग जाते हैं और उन्हें वहाँ से ये बोलकर भेज देते हैं कि ठीक है मैं इन सारे पेपर्स पे अपनी बेटी से साइन करवा लूंगा। जूही के पास जाते ही वो बोलते हैं कि हियोल भी यही चाहता है कि तुम हमेशा खुश रहो और मुझे भी ऐसा ही लगता है कि अब तुम्हें कोई अच्छा इंसान देखकर उसे डेट करना चाहिए और हियोल को भूल जाना चाहिए क्योंकि वो अब जा चुका है और साथ ही मैं अब तुम्हारे सर पे कोई और जिम्मेदारी नहीं डालना चाहता और इसलिए हमें इस हवेली को भी भेज देना चाहिए ताकि तुम अपनी आगे की लाइफ को अच्छे से जी सको। लेकिन जूही तो इसके लिए साफ साफ मना करने लग जाती है कि यहाँ पर मेरी और हियोल की यादें हैं और मैं इस हवेली को नहीं बेच सकती। ये बोलकर बाहर चली जाती है कि मैं हियोल का वेट करूंगी। वहीं रास्ते में उसे डॉशम भी देख लेता है जो कि उसे बहुत ज्यादा सैड लगती है। वो उसे रोकता है और साथ ही उसे बोलता है कि रीडेवलपमेंट स्टार्ट होने वाला है और मुझे लगता है कि अब तुम्हें उस मेंशन को बेच देना चाहिए और उसके चक्कर में और ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ तुम हियोल के लिए कर रही हो लेकिन वो तो अब जा चुका है। लेकिन जूही यहाँ से ये बोलकर जाने लग जाती है कि मैं कोई ना कोई दूसरा ऑप्शन जरूर ढूंढ लूंगी। नेक्स्ट सीन में वैम्पायर ली डॉशम को फोन लगाकर बोलता है कि जल्दी से मेंशन के बाहर आ जाओ और आज तो मैं हियोल को मार ही डालूंगा। और जैसे ही वो मेंशन के पास पहुंचता है तो डैड उसे देख लेता है और डर कर वो तो अंदर जाकर छुप जाता है। जूही भी वहां पर पहुंच जाती है और सोचती है कि शायद वैम्पायर ली उसके मेंशन में एज अ गेस्ट रहने के लिए पहुंचा हुआ है
लेकिन जैसे ही वो बोलता है कि वो ह्योल से मिलने के लिए आया है, वो भी समझ आती है। इससे पहले वो वहाँ से भागती, वैम्पायर ली उसे एक सुनसान जगह पर ले जाता है और उसे बहुत मारने लगता है और उससे ह्योल के बारे में पूछ रहा होता है। लेकिन जूही बोलती है कि वो नहीं जानती कि ह्योल कहाँ पे है। और वहीं हम दूसरी तरफ ह्योल को देखते हैं जहाँ पर उसका स्कार धीरे धीरे एक्टिव होने लग जाता है और वो समझ आता है कि जूही किसी मुसीबत में है। यहाँ पर वैम्पायर लिए जूही को बहुत ज्यादा मार रहा होता है, उसे एक रॉड से ऊपर की तरफ उठाने लग जाता है, जहाँ पर देखते ही देखते ह्योल पहुंच जाता है, एक हीरोइक एंट्री मारता है और वैम्पायर ली को रोकने लग जाता है। जूही तो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट होती है और यहाँ पर ह्योल को थोड़ी चोट लग जाती है और जैसे ही वैम्पायर ली दोबारा से जूही को मारने के लिए जा रहा होता है, ह्योल को बहुत गुस्सा आता है और वो उठकर अपनी पूरी ताकत के साथ में वैम्पायर ली को मारता है, जहाँ पर उसे अपने पास्ट के कुछ सीन याद आने लग जाते हैं जब वो मासूम लोगों का खून पीता था तो ह्योल उसे ऐसे ही आकर रोक लेता था। ह्योल बहुत ज्यादा गुस्से में था और उसे इस तरह देखकर वैम्पायर ली डर जाता है और वहाँ से ये बोलकर जाने लग जाता है कि मैं वापस जरूर आऊंगा। जिसके बाद जूही और ह्योल एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। डॉशिम भी वहाँ पर पहुँच जाता है और छुपकर वो तो उन दोनों को ही देख रहा था, जिससे कि उसे तो बहुत ही ज्यादा बुरा लगने लग जाता है। जूही और ह्योल साथ में होते हैं जहाँ वो उसे कहती है कि मुझे सारी सच्चाई का मालूम चल चुका है, हम कोई ना कोई दूसरा ऑप्शन जरूर निकाल लेंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले मुझे ये पिंकी प्रॉमिस करना होगा कि तुम मुझे दोबारा छोड़कर नहीं जाओगे। जूही की बातें सुनकर ह्योल भी मुस्कुराने लग जाता है और उसे बोलता है कि ठीक है, मैं अब से तुम्हारे साथ ही रहूंगा और तुम्हें छोड़कर दोबारा नहीं जाऊंगा। वही हमारे दो देवदास यानी कि चंगो मंगो भी बेचारे सैंड होकर ह्योल की याद में ही बैठे हुए थे, लेकिन सामने से जैसे ही ह्योल आता है वो देखकर उसको जाके लिपट जाते हैं और बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि वो वापस आ गया है और उसे अपने साथ रहने के लिए ही बोलते हैं। वही दूसरी तरफ हम मिस्टर कैट को देखते हैं जो कि बैठे बैठे बस यही सोच रहे होते हैं कि अभी सिर्फ एक हफ्ते बाद ही ब्लडी मून आने वाला है और अब पता नहीं आगे क्या होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग ह्योल सीधा जाकर डैड से मिलता है, जहाँ डैड उसे थैंक यू बोलते हैं क्योंकि अभी तक उसने जूही का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा था और साथ ही वो उससे इस चीज के लिए माफी मांगते हुए कहते हैं कि अब बटलर का काम वो जूही को अब नहीं देना चाहते हैं क्योंकि वो उसे और ज्यादा परेशान नहीं देख सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ खुश देखना चाहते हैं। जहाँ पर ह्योल भी उनसे कहता है कि अब तो उसे कोई बटलर की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उन्होंने अपना काम बहुत ही अच्छे से निभाया है और साथ ही उसके मरने के सिर्फ और सिर्फ कुछ दिन ही बचे हैं और इसलिए अब उसे बटलर नहीं चाहिए, लेकिन जब तक वो जिंदा है वो जूही के साथ ही रहना चाहता है और इसके लिए डैड भी फिर मान जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ टेलर की वाइफ जाकर उसको बोलती है कि वो वैम्पायर वाली बात बिल्कुल सच है क्योंकि उसने ह्योल को एक दूसरे वैम्पायर यानी वैम्पायर ली के साथ में लड़ते हुए देख लिया था और वो वहाँ से डर कर भाग गई थी। ये सारी बातें जाने के बाद टेलर और उसकी वाइफ बाकी के सारे नेबर्स के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि हवेली में वैम्पायर्स रहते हैं और अगर हमें अपना एरिया को रीडेवलप करना है तो हर हाल में हमें उन सबको वहां से निकालना होगा। ये बोलते ही वो लोग सीधा हवेली की तरफ निकल पड़ते हैं। हवेली के अंदर यहाँ पर जैसे ही ह्योल जूही से मिलता है और अचानक से वो बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, वहीं पर बेहोश हो जाता है। जूही और फिर चंगो मंगो उसे उठाकर रूम में ले जाते हैं जहाँ जूही इसका अच्छे से ध्यान रख रही होती है और चंगो मंगो उसके लिए रोज से ब्लड लेने के लिए चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ह्योल को एक बहुत भयानक सपना आ रहा होता है जिसमें वैम्पायर ली जूही को मार रहा था और देखते ही देखते उसका स्कार भी फिर से एक्टिवेट होने लग जाता है, लेकिन जूही उसे संभालते हुए कहती है कि फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शोरगुल सुनकर जैसे ही जूही हवेली के बाहर आती है, देखती है कि सारे नेबर्स वहाँ पर इकट्ठा हुए थे और टेलर की वाइफ ह्योल को बाहर आने के लिए बोल रही थी और कह रही थी कि वो वैम्पायर है। लेकिन जूही फिर उन सब लोग को समझाने लग जाती है कि ह्योल की तबीयत अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है और इसलिए वो सो रहा है, जहाँ पर टेलर भी उसकी बात को समझ आता है और अपनी वाइफ और बाकी सबको वहाँ से ये बोलकर लेके जाने लग जाता है कि ह्योल एक बहुत ही अच्छा इंसान है और अभी हमें उससे इस तरह से परेशान नहीं करना चाहिए। यहाँ जैसे ही ह्योल की आंख खुलती है उसके पास एक फोन आता है और वो एक बंदे से मिलने के लिए पहुंच आता है जो कि कोई और नहीं बल्कि डॉशिम ही होता है। डॉशिम उसे बोलता है कि तुम सिर्फ खून पीने वाले एक वैम्पायर हो जो कि जूही के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है और मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई ऑलरेडी मालूम चल चुकी है, जितना हो सके जूही से दूर रहो और यही इसके लिए ठीक रहेगा। ह्योल बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम उसे बहुत ज्यादा चाहते हो और उसके लिए अच्छा ही सोचोगे, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उसे और हर्ट नहीं करूंगा। ये सुनते ही डॉशिम फिर उसे वही नाइफ देते हुए बोलता है कि इसलिए बेटर यही होगा कि तुम अभी इसी वक्त अपने आप को मार लो,
लेकिन ह्योल फिर उसे बोलने लग जाता है कि नहीं, मैंने जो इसे वादा किया है और मैं जब तक खुद से नहीं मर जाता उसके साथ ही रहूंगा। ये बोलते ही वो वहाँ से जाने लग जाता है। ये सुनते ही तो डोशिम को काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और नाइफ लेकर वो ह्योल के पीछे पीछे जाता है। ह्योल को वो नाइफ मार पाता इससे पहले ही जुई वहाँ पहुँच आती है और उन दोनों को ऐसे देख लेती है। डोशिम भी उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। जुई को देखते ही डोशिम ने अपना नाइफ छुपा लिया था और वहीं ह्योल भी उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहा था। तो जुई तो डोशिम को ही डांटने लग जाती है कि उसने इतनी रात में ह्योल को मिलने के लिए क्यों बुलाया। जहाँ पर डोशिम उसे फिर से समझाते हुए बोलता है क्योंकि ह्योल तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये तुमसे दूर रहे। लेकिन डोशिम के ऊपर गुस्सा होकर जुही ह्योल को वहाँ से ले जाती है और साथ ही वो ह्योल को भी बोलती है कि वो डोशिम की बातों पर बिल्कुल ध्यान ना दे। नेक्स्ट सीन में तीनों के तीनों वैम्पायर बहुत ज्यादा सैड होते हैं क्योंकि उनके पूरे नेबरहुड में ये बात फैल चुकी थी कि वो लोग वैम्पायर हैं। यहाँ वैम्पायर ली ने सोहा को कॉल पे बता दिया होता है कि ह्योल बहुत ही जल्द मरने वाला है और जिंदा रहने के लिए उसे जूही के ब्लड की जरूरत है। वही ह्योल सीधा टेलर और उसकी वाइफ से मिलने के लिए पहुंचा हुआ था। वो दोनों तो उसे देखते ही बहुत ज्यादा डरने लग जाते हैं, लेकिन ह्योल उसे समझाते हुए कहता है कि मैं सालों से यहाँ पर हूँ और आपके एंसेस्टर ने मेरा बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा था और अब आप लोगों ने मेरी इस टाइम में बहुत ही ज्यादा हेल्प की है और इसलिए मैं आप लोगों का हमेशा ही शुक्रगुजार रहूंगा। और साथ ही वो काफी ज्यादा इमोशनल बातें भी कर रहा होता है जिससे कि वो दोनों भी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। जुई से मिलने के लिए सोहा पहुंची हुई होती है और उसके ऊपर सारे इल्जाम लगाते हुए बोलती है कि जब तुम जानती हो कि ह्योल को जिंदा रहने के लिए तुम्हारी ब्लड की जरूरत है तो तुम उससे अपना खून क्यों नहीं दे रही हो। जुई बोलती है कि ह्योल के लिए मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन अभी वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे चक्कर में ही परेशान है क्योंकि तुमने सारे नेबरहुड में ये बात जो फैला रखी है कि वो एक वैम्पायर है जिससे कि लोग अब हमें यहाँ पर नहीं रहने देंगे और ये मेंशन ह्योल को छोड़ना पड़ेगा। ये सब को सुनते ही सोहा भी बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और जैसे वो घर से बाहर जा रही होती है तो उसे ह्योल मिल जाता है और जहाँ वो उसे समझाते हुए कहती है कि मुझे सब कुछ सच का मालूम चल चुका है कि तुम्हें जिंदा रहने के लिए जुई के ब्लड की जरूरत है और वो भी तुम्हें अपना ब्लड देने के लिए तैयार है तो फिर तुम उसका ब्लड लेते क्यों नहीं हो। जहाँ पर ह्योल भी उसे समझाते हुए बोलता है कि यही तो सच्चा प्यार है कि वो मेरे लिए अपनी जान भी दे सकती है और इसलिए मैं उसे और तकलीफ नहीं दे सकता। वापस आकर ह्योल जुई को मेंशन से मूव करने के लिए कहता है क्योंकि ये लोग उसे चैन से यहाँ पर रहने नहीं देंगे, लेकिन फिर जुई उसे बोलती है कि ये मेरा मेंशन है और मैं इसे अच्छे से संभालूंगी, तुम चिंता मत करो, तुम बस अपना ध्यान रखो। वहीं दूसरी तरफ डोशिम और सोहा साथ में होते हैं जहाँ डोशिम उसके ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि तुम्हें वैम्पायर वाले रूमर्स नहीं फैलाने चाहिए थे। सोहा भी वहीं पर उसे लड़ रही होती है जहाँ पर अचानक से वैम्पायर ले आ जाता है और दोनों का भांडा एक दूसरे के सामने फोड़ देता है और साथ ही वो सोहा को ये भी बताने लग जाता है कि डोशिम को ह्योल का खून चाहिए क्योंकि उसे अपनी बरसों से चली आ रही दिल की बीमारी को ठीक करना है। ये जानकर तो सोहा बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और डोशिम के ऊपर काफी गुस्सा कर रही होती है। साथ ही वो दोनों मिलकर फिर जैसे ही ली को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कबाब में हड्डी जो बन रहा था, लेकिन भाई फिर देखते ही देखते ली अपने असली रूप में आ जाता है। उसकी आंखें ब्लू हो जाती हैं जिसे देखते ही सोहा तो बहुत ही बुरी तरह से डर जाती है क्योंकि वो तो नहीं जानती थी ना कि ली एक वैम्पायर है और डोशिम ने भी उसका ये रूप पहली बार ही देखा था और वो तो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है और साथ ही बोलता है कि आखिरकार तुम दोनों मुझे यहाँ से निकालने वाले कौन होते हो और जब तक मैं नहीं चाहूंगा तो तुम लोग भी यहाँ से नहीं जा सकती। और ये बोलकर वो सोहा के ऊपर जोरदार हमला करने लग जाता है। इससे पहले वो उसका खून पीता डोशिम उसके ऊपर खंजर भोंक देता है और फिर क्या था, देखते ही देखते वैम्पायर ली का नामोनिशान मिट जाता है और वो अचानक से राख बनकर गायब होने लग जाता है। लेकिन सोहा तो बेचारी सदमे में जा चुकी थी, वो तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। जहाँ डोशिम उसे कहता है कि देखा ना तुमने कि वैम्पायर कितने ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं और तुम्हारा ह्योल भी एक वैम्पायर ही है, ये बात कभी मत भूलना तुम। सोहा बिचारी गम की मारी पूरी तरह से सदमे में पहुंच चुकी होती है और ड्रिंक पे ड्रिंक लिए जा रही थी और ह्योल के साथ बिताए हुए सारे प्यारे खूबसूरत लम्हों को बहुत ज्यादा मिस कर रही होती है। जिसके बाद वो सीधा ह्योल से जाकर मिलती है और कहती है कि मैं हमेशा के लिए कोरिया छोड़कर यूएसए जा रही हूँ, लेकिन मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैंने यहाँ पे तुम्हें पाया। सच्चे प्यार का मतलब शायद मैं थोड़ा थोड़ा समझ चुकी हूँ और इसलिए मैं अब तुम्हें और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती हूँ। जाने से पहले सोहा ने ह्योल को डोशिम के बारे में भी बता दिया था कि वो उसका खून पीकर सालों से चली आ रही उसकी दिल की बीमारी वाले श्राप को पूरी तरह से हटाना चाहता है। सच जानने के बाद तो ह्योल भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है।
नेक्स्ट सीन में केवल मून को देख रहा होता है जहाँ पर मिस्टर कैट उससे मिलने के लिए पहुंचा हुआ होता है। वो दोनों फिर एक दूसरे से आखिरी बार मिलते हैं जहाँ दोनों ही काफी ज्यादा इमोशनल हो रहे थे। मिस्टर कैट केवल को बोलता है कि मैंने आज तक ऐसा कोई भी वैम्पायर नहीं देखा जो कि इंसानों से भी ज्यादा अच्छा हो, और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम्हारे जैसा वैम्पायर मेरी लाइफ में था। मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है और हमेशा ही तुम्हारी याद मुझे सताएगी। वो दोनों ही काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। जैसे ही ह्योल फिर हवेली पहुंचता है तो अचानक से उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लग जाती है और उसके हाथों पर भी काले काले निशान पड़ने लग गए थे। ह्योल का आज लास्ट डे था और इसलिए चंगू मंगू से वो एक आखिरी बार मिल रहा होता है। वो दोनों तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, काफी रो रहे होते हैं, साथ ही बोलते हैं कि हम तो तुम्हारे बिना रह ही नहीं पाएंगे। लेकिन फिर ह्योल उन्हें समझाते हुए कहता है कि जैसे तुम 100 साल मेरे बिना रहे हो वैसे ही तुम्हें आगे भी रहना होगा और मेरी जुई का अच्छे से ध्यान रखना। नेक्स्ट सीन में जुई और ह्योल आउटिंग पे गए हुए होते हैं क्योंकि ह्योल का आज लास्ट डे था, लेकिन ये बात उसने जुई से छुपाई हुई थी और वो उसके साथ में बहुत सारा टाइम स्पेंड करना चाहता था। और वो लोग साथ में फिर घूमते हैं, बीच पे जाते हैं और बहुत ही ज्यादा मस्ती भी कर रहे होते हैं, साथ में फोटो वगैरह भी खींचते हैं और काफी ज्यादा खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ डोशन को दिखाया जाता है जो कि गाड़ी से कहीं पर जा रहा था और वो ह्योल के बारे में ही सोच रहा था। यहाँ पर जूही एक बार फिर से ह्योल से माफी मांग रही होती है क्योंकि उसने वक्त से पहले ही कॉफिन को जो खोल दिया था और उसे इसका काफी ज्यादा गिल्ट है। लेकिन फिर ह्योल उसे प्यार से समझाते हुए बोलता है कि अगर तुमने कॉफिन नहीं खोला होता तो आज हम दोनों साथ में नहीं होते और दिल का धड़कना कैसा होता है मैं उसे कभी भी महसूस नहीं कर पाता। इन सारी चीजों के लिए वो उसे थैंक्स बोलता है और दोनों के बीच में एक प्यारी सी खेत हो जाती है और यहीं पर सनसेट भी होने लग जाता है, जिससे कि ह्योल की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जुई फिर उसका ध्यान रखने लग जाती है और अपना हाथ काट के ब्लड की कुछ ड्रॉप उसके मुँह में डालती है। जूही के ब्लड का टेस्ट ह्योल को वैसा ही लगता है जैसे कि नाही के ब्लड का टेस्ट था और उसे सारी बातें याद आने लग जाती हैं, यानी कि नाही कोई और नहीं बल्कि जूही है जिसने ह्योल से ये वादा किया था कि वो उसे अगले जन्म में जरूर ढूंढ लेगी और उसने अपना पूरा वादा भी निभाया। ये सब कुछ जानकर ह्योल बहुत ज्यादा सेंटी हो जाता है और काफी ज्यादा रो रहा होता है। जिसके साथ में उसने इतने प्यारे प्यारे से मोमेंट गुजारे हैं वही उसकी नाही है। जिसके बाद ह्योल को होश आने पर वो सिर्फ जूही को ही देख रहा होता है जो कि अब सो चुकी थी और इसलिए वो उसे छोड़कर बाहर आ जाता है। काफी रो रहा होता है क्योंकि उसने अपना वादा जो पूरा नहीं किया और वो जूही को ऐसे छोड़कर जा रहा है। ब्लड मून बस होने वाला होता है जहाँ देखते ही देखते डोशन भी पहुंच जाता है। एंड गाइस यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ह्योल ने ही डोशन को यहाँ पर बुलाया है ताकि वो उसे खून देकर उसके श्राप को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सके और उसके जाने के बाद वो जूही का ध्यान भी रख सके, क्योंकि डोशन भी जूही को बहुत चाहता है और ये बात ह्योल काफी अच्छे से जानता है। ब्लडी मून होते ही वो उसे अपने अंदर उस खंजर को मारने के लिए कहता है, लेकिन डोशन भी काफी ज्यादा इमोशनल हो चुका था इसलिए वो मार ही नहीं रहा था। वहां से जूही ने भी ये सब कुछ देख लिया था और ह्योल फिर उसके हाथ से खंजर लेकर अपने आप को मार देता है। जूही उसे रोकती है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मरने से पहले वो उसे कहता है कि इस बार तुमने मुझे ढूंढकर अपना प्रॉमिस निभाया था, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगा और वापस आऊंगा, यानी कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे। जिससे कि जूही तो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है और मेरा भी यहाँ पे दिल टूट जाता है दोस्तों, क्योंकि ये एंडिंग मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। लेकिन जैसा कि ह्योल ने बोला है कि वो दोबारा जरूर आएगा तो इसका साफ मतलब यही हुआ कि इसका सीजन 2 भी आएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका सीजन 2 भी आए तो ये बात मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नेक्स्ट सीन में ह्योल का फ्यूनरल हो रहा होता है। सब लोग उसके पास में खड़े होते हैं और उसे आखिरी श्रद्धांजलि भी दे रहे होते हैं, साथ ही बोल रहे होते हैं कि हम तुम्हारे रिबॉर्न होने तक इस मेंशन को अच्छे से प्रोटेक्ट कर रखेंगे। जिसके बाद फिर वहां पर मिस्टर कैट भी पहुंच जाते हैं जिनके हाथों में वही बॉक्स होता है और उस बॉक्स को खोलने पर जूही को बहुत सारा सोना मिलता है जो कि किसी और का नहीं बल्कि ह्योल का था, जिसे कि मिस्टर कैट ने सालों से संभाल कर रखा हुआ था। ह्योल ने इससे इसलिए नहीं लिया था क्योंकि अगर वो ले लेता फिर तो जूही का सारा कर्जा ही चुकता हो जाता, लेकिन जूही के पास रहने के लिए उसके पास सिर्फ यही तो एक बहाना था। धीरे धीरे फिर ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। चंगू मंगू का रेस्टोरेंट भी अब काफी अच्छे से चल रहा होता है, साथ ही उनकी लुक भी पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी और वो लोग बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि अब उन्हें ह्योल का सारा सोना जो मिल चुका था।
वहीं दूसरी तरफ रोशन ने भी हार्ट पेशेंट्स के लिए काफी सारी डोनेशन की हुई होती है, क्योंकि ह्योल के चक्कर में उसका भी तो हार्ट बच गया था और वो काफी ज्यादा खुश था। यहाँ जूही ने भी मैचर को बहुत अच्छे से संभाल कर रखा हुआ था, वो उसे काफी अच्छे से मेंटेन रख कर वहाँ पर एक बड़ा सा गेस्ट हाउस चला रही थी। बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ थी, लेकिन स्टिल उसे ह्योल की बहुत ही ज्यादा याद आती रहती थी और वो उसका इंतजार भी कर रही थी। जिसका साफ मतलब है दोस्तों कि इसका सेकंड सीजन भी जरूर आएगा, और अगर मेरी तरह आप भी चाहते हो कि इसका सेकंड सीजन आए तो कमेंट बॉक्स में सेकंड सीजन लिख दीजिएगा।